हेलो गाइस, ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो ये कौन सा जगह था अंकल जी? ये कलचांद बुग्याल है। कलचांद बुग्याल है। कलचांद बुग्याल में अंकल जी मिले हैं और आपको अंकल जी बताएंगे कि यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, अकेले आए चाहे जैसे भी आए, और यहाँ किसी भी चीज का कोई भी दिक्कत नहीं। आप बात कर लीजिए अंकल जी। यहाँ मैं जो है, मेरी दुकान है यहाँ कलचांद में। मैं रुद्रनाथ की सेवा में बैठा हूँ। यहाँ पे अकेला आने की कोई डर नहीं है। आदमी आते रहते, एक लड़की आती है हर साल, आती है वो दिल्ली से, अकेले आती है वो हर साल। बताए, अभी तो आई नहीं, वो आने वाली है, अगले महीने तक आ जाएगी वो लड़की। अच्छा अच्छा, हर साल आती हो अकेले। कलचांद से हम निकल गए हैं। पूरा कलचांद बहुत प्यारा जगह था। पूरे बैठे हैं अंकल जी, आप देख सकते हैं। और पुंग बुग्याल, जो वहाँ पे हम पहले स्टे किए थे, रुके थे, जहाँ मैगी खाए थे, वही वो लोकेशन है, आपको दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और चढ़ाई चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ाई है, उतराई का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। वन अधिकारी का बोर्ड लगा है जिसमें है कि कूड़ा करकट ना फेंके यहाँ पे, तो कृपया करके आज्ञा का पालन करें। अभी टाइम हो रहा है 11 और धीरे धीरे बादल पहाड़ों को कवर कर रहा है, नज़ारा छुपा रहा है, देख सकते हैं आप। और ये बादल पहाड़ों की ओर जा रहा है, नज़ारा सब छिपा रहा है, तो हो सकता है बारिश आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश का हर एक चीज़ सिस्टम है मेरे पास, बारिश की दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से नज़ारा है और चढ़ाई बराबर है। आने में हमको लगता है प्रॉब्लम कम रहेगा, क्योंकि आने में सिर्फ ढलान ही ढलान रहेगा, तो आने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो टाइम लग रहा है जाने का ही लग रहा है, वो सब जाना ही है, सब रास्ता घूम घूम के ऊपर ही जा रहा है। तो देख सकते हैं कितना हार्ड ट्रैक है, एकदम निकाल देने वाला ट्रैक। इस ट्रैक पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउ नहीं है। तो इस ट्रैक पे कोई कैंपिंग नहीं कर सकता, अगर कोई कर भी रहा है तो उसको वन अधिकारी की तरफ से जुर्माना भी लग सकता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट इन लोगों का सिस्टम है। तो यहाँ पे कैंप करना अलाउ नहीं है। बहुत थक गया यार, थोड़ा सा सोचे बैठ के यहीं से पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ग्लूकोज पानी लगातार पिए, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, वरना डिहाइड्रेशन होना है आप ठीक से, क्योंकि इस ट्रैक पे लगातार चढ़ाई चढ़ाई बाबा की चढ़ाई में यार, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे चढ़ाई बढ़ती चली जा रही है। मौसम थोड़ा साफ हो गया, व्यू अच्छा आ रहा है। आई होप आप सबको आ रहा होगा। बाप रे बाप, ऐसे कुछ ऊपर जाना है, इसी के उस तरफ कुछ होगा, कोई बुग्याल। चलिए चलते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों करके निकल गए थे, अभी तो कहीं पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन मौसम बहुत तेज खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे रेनकोट पहन के प्रॉपर तैयार रहना पड़ेगा। आप सब देख सकते हैं किस तरह से मौसम खराब हो रहा है। देखिए यहाँ का मौसम कैसे एक बैग पूरा चेंज हो गया। उधर देखो थोड़ा सा धूप दिख रहा होगा बीच में, और यहाँ एकदम पूरा कोहरा कोहरा छा दिया। और मुझे ऊपर जाना है, अब जल्दी जल्दी जाना है, तो
रेनकोट वोट यहाँ से पहन लेते हैं, उसके बाद फटाक से निकल जाएंगे वरना खतरा हो जाएगा। रेनकोट वोट पहन लिए हैं, बारिश तो नहीं आई, शायद पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही है। देख रहे हैं पीछे झरने का पानी बहुत तेज़ हो गया है, अभी इतना तेज़ नहीं था इसलिए थोड़ा तैयार हो गया है। और बारिश में कब मौसम चेंज हो जाए कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। रेनकोट वोट पहन लें जरूर से, वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फाइनली किसी स्टॉप पे पहुंच गया है, ये यहाँ के देवी देवता है, वन देवी देवता। और हो रहा सामने कोई स्टॉप और वहाँ भी कोई स्टॉप है, चलेंगे, रुकना नहीं है अभी, बहुत रुक चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब नज़ारा और ही खूबसूरत होने वाला है। तो ड्यूटी बिग्याल में हम एक जगह रुके हैं, वहाँ पे कुछ राजमा चावल खाएंगे, एक भैया हैं उनसे यहाँ के बारे में थोड़ा बात करेंगे, तो आप लोगों को सुनवाएंगे कि क्या यहाँ की हकीकत है, क्या यहाँ सच्चाई है। तो अभी वो अपने बारे में बताएंगे और यहाँ की हकीकत और सच्चाई बताएंगे। हेलो भाई जी, मेरा नाम सत्या सिंह बिष्ट, रुद्रा बेस कैंप ड्यूटी बुग्याल, और ये अपना रुद्रनाथ पे जो मेरा ट्रैक है जी ड्यूटी बुग्याल में, और रहने खाने की सब उचित व्यवस्था है मेरे यहाँ पे रुद्रा बेस कैंप ड्यूटी बुग्याल। अच्छा, रहने खाने की कितना है यहाँ पे? यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था है भाई जी पर पर्सन 400 रूपए। अच्छा अच्छा, रहने खाना उसी में है। अच्छा अच्छा, सिर्फ चाय अलग से है। अच्छा अच्छा, तो अगर जो कोई कैंप करना चाहे तो आप कैंप की व्यवस्था पूरा देते हैं? पूरा ट्रैकिंग, कैंपिंग, पोर्टर, गाइड, घोड़े, खच्चर, सब व्यवस्था है। अच्छा, सब व्यवस्था है, हम देते हैं, चीज की व्यवस्था है। अच्छा, जैसे कोई बाहर से लोग आते हैं तो उनको हम यही बताते हैं कि भाई जो भी आते हैं तो कचरे, सबसे पहले हम बताते हैं कचरे के बारे में। जी जी जी, कि अपने पास जो भी पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, वो लेके जो भी सामान लेके जा रहे जैसे बिस्कुट, वो अपने साथ खुद जहाँ से लेके आए वहाँ तक वापस लेके जाओ। जी जी जी, सबसे पहले ये सेंचुरी में पड़ता है, सेंचुरी एरिया है। जी जी, केदारनाथ वन विभाग है ये। जी जी, और सबसे पहले मेरी दुकान यहाँ पे भी नहीं थी। जी, मेरी दुकान थी ऐसे स्टॉप पे थी जहाँ पे बहुत सारा अच्छा व्यू मिलेगा। अच्छा अच्छा, वो है ये अपना पितरधार। अच्छा अच्छा, पितरधार पे। अच्छा, वहाँ पे मंदिर भी है। अच्छा, वहाँ पे जो अपने वहाँ का नाम इसलिए पड़ा है कि जो अपने पूर्वज होते हैं, जैसे अपने दादा हो गए या दादी जी जो गुजर जाते हैं, जी जी, तो बोलते वो स्वर्गवास जब होते तो वहीं पे आते हैं। जी जी जी, पितरधार में जी, तो उनके नाम पे जब कोई आते हैं तो उनको भी बताते हैं हम धूप बत्ती करना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अपने पितरों के नाम पे एक पत्थर रख के चले जाना। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी दुकान थी जी। ये सेंचुरी के कारण ये हुआ कि फॉरेस्ट वन विभाग ने बोला है कि नहीं, सेंचुरी में दुकान नहीं होनी चाहिए, तो ये दुकान दो साल पहले अच्छा तोड़ चुके हैं ये फॉरेस्ट वन विभाग वाले। अच्छा अच्छा, उनके बाद मेरे को यहाँ पे शिफ्ट किया। तो अच्छा, यहाँ पे भी यही है कि थोड़ा बहुत चलता है मेरा, इतना भी नहीं है अभी। जी जी, यही है। और ठीक है ठीक है, लिफ्टी बिग्याल से राजमा और चावल खा के निकल गए, और नीचे कहीं लिफ्टी बिग्याल है जो कि मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ रहा है, और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाया ऊपर का, सॉरी ऊपर का नज़ारा देखिए, थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है, सारा घास का मैदान है। तो चलिए चलते हैं आगे। अली भाई पनार बुग्याल किसी तरह पहुँच गए, हालत बहुत गंभीर हो गई थी तो सोचे बीच में कहीं रुक जाएंगे, लेकिन एक ऐसा घटना घट गया जिससे लगा कि नहीं भाई हमको अब मंदिर तक पहुँचना ही है।